वनस्पति दर्शन में आप सभी का स्वागत है। वनस्पति दर्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कनेर। कनेर जो कि बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और कई रंगों में पाया जाता है। ये पीला, सफ़ेद, गुलाबी और अनेक तरह का होता है, लेकिन हर कनेर के औषधीय गुण एक से होते हैं। तो आइए हम आपको कनेर की पहचान कराते हैं तथा फिर इसके औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे, किस तरह किन किन बीमारियों से कनेर हमारे शरीर को दूर करता है इस बारे में जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं कि कनेर का पौधा किस तरह का होता है। फ्रेंड्स, ये है कनेर का पौधा, ध्यान से देखिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। कनेर का पौधा बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि ये अफीम की आदत को छुड़ाने के लिए बहुत काम आता है। तो जिन व्यक्तियों को अफीम की आदत होती है उनको 2 से 3 पत्ते सुबह खाने चाहिए, इससे उनकी अफीम की आदत दूर होगी। इसके साथ साथ ये दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसकी ये को तोड़ लीजिए। ये कनेर का तना है। इस तने से अगर आप अपने दांतों की दातून करेंगे तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे और आपको दांतों के दर्द से भी राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, कनेर के पत्तों का सेवन जो है नपुंसकता को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप इसके कलियों को, इसकी ये कलियां हैं, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपको सिर दर्द को दूर करने के लिए फायदेमंद है। तो ये छोटी छोटी कलियों को सुबह सुबह खाने से आप जो है सिर दर्द की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ये हैं कनेर के पत्ते, इनको पहले तोड़कर अच्छे से बारीक कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही सख्त होते हैं। दो बूंद पानी डाल लीजिए और अच्छे से इसको घिसिए। आप इसको सिल पर भी घिस सकते हैं या फिर उस फरल में डालकर इसको अच्छे से घिस लीजिए। क्योंकि ये सख्त होता है तो ये पिसता नहीं है, सिर्फ घिसा जाता है। फ्रेंड्स, घिसने के बाद ये बहुत हल्का हल्का इस तरह का अर्क छोड़ देंगे। इस अर्क को बिच्छू के काटने पर या फिर सांप के काटने पर, उस काटे गए जगह पर इस अर्क को लगाएं। ऐसा करने से इन घिसे हुए पत्तों को भी आप उस पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से जहर उतरना शुरू हो जाएगा या फिर अगर उतरेगा नहीं तो वो आगे तक फैलना बंद हो जाएगा, ताकि आप आगे के लिए अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें। फ्रेंड्स, ये थी कनेर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण जानकारियां। आई एम श्योर आपने कनेर के पौधे की पहचान अच्छे से कर ली होगी और इन गुणों को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। इन जानकारियों को अपने दैनिक जीवन में जरूर प्रयोग में लाइए और अपने आप को रोगों से मुक्त रखिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ साथ नीचे दिए गए रेड निशान द्वारा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण वनस्पतियों की जानकारी आप हमारे से प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इन वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त कर सकें, इनके बारे में जान सकें। धन्यवाद।